अगर आप अपने वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ मोबाइल में वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ट्रिम करने के लिए वीडियो पर क्लिक किया और नीचे आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कैंची जैसा नज़र आ रहा है। तो इस कैंची पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वीडियो कहाँ से कट करना है ये ऑप्शन आ जाता है। जैसे हमारे पास ये वीडियो है 2 मिनट 25 सेकंड का, इसको कुछ आगे से हिस्सा हटाना है मुझे और कुछ पीछे से हिस्सा हटाना है, और इसे मैं लगभग 1 मिनट 50 सेकंड के लगभग रखना चाहता हूँ। तो वो किस तरह से होगा तो ये देखिए, यहाँ से पीछे से मैं स्क्रॉल करके ये अलग लेके आ रहा हूँ, तो जहाँ से मुझे कट करना है वो ऑप्शन यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। इसी तरह से आगे से भी मैंने इसी तरह इसे ट्रिम किया था, ये देखिए आगे से मैंने ट्रिम किया, यहाँ आपको शो हो रहा है। तो इस तरह आप जहाँ तक आपको शॉर्ट करना है वो शॉर्ट कर सकते हैं, और आप ये देखिए टाइम एग्जैक्ट 1:55 हो चुका है। तो यहाँ तक अगर ये राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पर और सेव पे क्लिक हो जाएगा तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब ये वीडियो की अनकोडिंग होना चालू हो चुकी है। ये अनकोडिंग वीडियो होने के बाद आप अपने वीडियो में एक नया अनुभव देखेंगे, जो आपके एक्स्ट्रा जो कुछ भी पार्ट था वो जो स्टार्ट में मिसमैच हो जाता है, कुछ उस तरह का पार्ट होता है जो यूज़ में ना हो, जो न दिखाना चाहते हैं, तो वो आप इसको हटा सकते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट में भी जैसे आपने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हटाना चाहते हैं तो आप वीडियो को डायरेक्ट ट्रिम कर आप उसे हटा सकते हैं। इसमें आप वॉल्यूम भी अगर हटाना चाहें तो वो भी आप इनकोडिंग वीडियो में हटा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको इसी में मिल जाएगा। अभी ये सिर्फ वीडियो ट्रिम करना मैंने आपको बताया है, जिसमें ऑडियो साथ रहेगी और आप अपने वीडियो को एक नए तरीके से देख पाएंगे। तो इस तरह आप अपने वीडियो को एक नया लुक दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।